आप अगर इच्छुक है तो आपका एक टिकट तो पक्का है। इफ्तेश जलील साहब का बहुत अहम रोल रहा डिप्टी डीसी के अंदर, और अब ये काम अंजाम में होने जा रहा है। आज से काम का इफ्तिताह हुआ और ये काम इंशाल्लाह आज ही से शुरू हो रहा है। तो जब खुद को नाचना नहीं आ रहा है तो कह रहे हैं आंगन टेढ़ा है। तो बाहर रहते हुए इतने अच्छे काम कर सकते हैं तो उनको सियासत से बाहर ही रहना देना चाहिए। आने वाले वक्तों में पार्टी क्या डिसाइड करेगी, किसको टिकट देगी, जो भी फैसला पार्टी गंज का। देखिए ये औरंगाबाद के जो अहम रास्ते हैं उसमें से एक रास्ता आता है चंपा चौक का, जो अलग अलग इलाकों को जोड़ता है, और यहाँ पर जो केबल्स ऊपर के हैं, खंबे बीच में खड़े हुए हैं, वो निकालने का काम आज यहाँ के हमारे आरिफ हुसैनी साहब, फिरोज़ खान साहब और हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं उन लोगों ने सबने मेहनत करके यहाँ पर 1 करोड़ रुपये का फ़ंड लेकर आए हैं, और ये पूरा जितना भी ओवरहेड जो केबल्स है वो अंडरग्राउंड चले जाएंगे। तो कई सारे एक्सीडेंट जो होते हैं कि कभी केबल टूट जा रहा है, तो इसकी वजह से यकीनन बहुत फ़ायदा होगा उसमें। सर 26 जनवरी को आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसके अंदर उसको वीडियो वायरल होने के बाद एक चर्चा का बाजार अफवाह बाजार गर्म हुआ, जैसा आपने कहा वार्निंग दी आपने नगर सभा सामने जलसा है कटकट गेट में, वहां पे आपके सब जवाब हो नहीं उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सर एक और सवाल है कि जब भी मैंने कई बार नोटिस पे लिया हूँ, जब आपका उद्घाटन होता है तो जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं महा विकास अघाड़ी का काम था खादा सब तो खाली फावड़ा मार रहे हैं। देखिए मेरे को ये नहीं है, अगर फावड़ा मारना चाहे तो वो भी मार सकते हैं। मेरे लिए जो है वो काम ज़्यादा मायने रखता है इसके अंदर। नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना हो गया है कि आप गलियों में ही खेलते रहिए, मैं पूरा देश घूम के आ गया। अरे आपने एक आखिरी सवाल सवाल क्या, ये जैसा आपका बयान आया उसके बाद ऐसा लग रहा है शहर में कि कुछ हो सकता है आने चुनाव में नए चेहरे देखने को मिले, मैं आपकी तरफ से क्या कहेंगे इसके बाद? आप अगर इच्छुक है तो आपका एक टिकट तो पक्का है। तो रुका हुआ है, सिर्फ अतिक्रमण हटाया गया, मास्टर प्लान नहीं हुआ। जी मास्टर जबकि ये VIP रोड फैलाने वाला है और औरंगाबाद का सबसे बड़ा ये रोड। जी देखिए मैं नए म्युनिसिपल कमिश्नर जब आए और उनके साथ मेरी पहली मीटिंग जो हुई है उसमें सबसे अहम जो 3-4 मुद्दे थे उसमें एक मुद्दा मैंने ये लिया था कि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से लेके जालना रोड का जो रास्ता है जो चंपा चौक से होते हुए गुजरता है वो अगर हो जाता है तो यकीनन शहर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और इसमें यह है कि सभी लोगों ने उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शहर बढ़ेगा, सड़कें अच्छी होंगी, चौड़ी होंगी, नए रास्ते बनाए जाएंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे उसमें हमारी कोशिश यही है कि ये रोड का जो भी एक्सपांशन का प्लान है उसको हम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराएंगे। काफ़ी लोगों ने मुआवजा भी ले चुके हैं, TDR हो चुका है, रोड सेंक्शन प्लान बन चुका है। देखिए अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है प्रशासन के सामने, महानगर पालिका के सामने, कि जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसके लिए शहर को खूबसूरत बनाने का जो चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि पूरे औरंगाबाद शहर को कैसा खूबसूरत बनाया जा रहा है। यकीनन ये G20 ख़त्म होने के बाद जो प्रायोरिटी के इश्यूज़ हैं वो प्रायोरिटी के अंदर ये इश्यू भी बहुत बड़ा है। देखिए दरअसल बात यह है कि चंपा चौक से लेकर तो शाह बाज़ार से लेकर तो उर्दू स्कूल तक, और उर्दू स्कूल से लेकर तो भाजी मंडी तक ये जो 11 KV के हाई टेंशन वायर जा रहे हैं, ये वायर को अंडरग्राउंड करने की डिमांड कई दिन से चल रही थी, ये कई घरों पे से जा रही जिसके से बहुत खतरा है, लोगों को लाख खतरा है। ये तारों को मैं तो कहूँगा ये मौत के तार है, एक बच्चे की 2000 के अंदर जो 2020 के अंदर जान भी जा चुकी है। तो इस चीज़ को हमें इस मुहिम को चलाए थे कि ये टोटल अंडरग्राउंड कर रहे हैं। इसके अंदर मैं ख़ासतौर से कहूँगा कि हमारे ये डिवीज़न के अंदर के जो जूनियर इंजीनियर हैं आलि जनाब शेख वसीम साहब, ये बेचारों की बहुत बड़ी मेहनत रही इसके अंदर। उसी तरह हमारे राजपूत साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और इनकी बहुत बड़ी मेहनत रही इसमें, और इसको एस्टिमेट बनाने को, इसको पास कराने के अंदर। लेकिन बीच में फिर एक बार ऐसा हो गया कि DPDC की मीटिंग के अंदर रखने के टाइम पर जब वक्त आया तो इस काम को कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद में जैसी ये बात हमको मालूम पड़ी तो हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज़ खान साहब, शारिक साहब, हमारे जितने कारपोरेटर्स, हमने फिर एक डेलीगेशन लेके खंदारी साहब के पास में गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, कि भाई ये काम की प्रायोरिटी और इस काम की बहुत ज़रूरत है। और DPDC बोले तो डेवलपमेंट प्लानिंग, ये प्लानिंग काउंसिल अगर इसको पैसे देने के लिए तैयार है, अगर जो नियोजन विकास अगर पैसे देने को तैयार है, तो मेरे को नहीं लगता कि MSCP के लोगों ने इसके अंदर कोई रखना डालना चाहिए। यही बात हमारे वरिष्ठों ने की, तो खंडारी साहब ने वापस DPDC के अंदर इसको रखा, और DPDC से तकरीबन 1 करोड़ रुपये इसकी मंजूरी करा के हम लोगों ने लिए, जिसके अंदर
ये फंड को मंजूर कराने के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब का बहुत अहम रोल रहा DPDC के अंदर, और अब ये काम अंजाम में होने जा रहा है। आज से काम का इफ्तिताह हुआ और ये काम इंशाल्लाह आज ही से शुरू हो जाएगा। सर मैंने एक सर्वे, जब भी आपका इफ्तिताह होता है चाहे आप करो या खाजा साहब करो, और बाद में ऐसा होता है कि कुछ आपकी विरोधी कह सकते हैं, उनका कहना है कि भाई ये महा विकास अघाड़ी का काम था, ये उनका फंड था, और खाजा साहब आते हैं रिबिन काट देते हैं या फौड़ा मार देते हैं, आप क्या कहेंगे इसको? उनसे जाके एक सवाल पूछना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स के अलावा कौन सी सियासी जमात है कि जिसके कॉर्पोरेटर्स आज मैदान में नज़र आ रहे हैं। आज पोस्ट पर ना होते हुए भी मजलिस का हर कॉर्पोरेटर अपने अपने वार्ड के डेवलपमेंट के कामों के लिए को लेकर बाज़ाब्ता ऑफिसर से बार बार नुमाइंदगी करता है, और अगर बात सिर्फ बोलने की है तो ठीक है समझा जा सकता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स और जिम्मेदारान के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि ये कितनी मरतबा लेटर फॉरवर्ड करते हैं, उसका फॉलोअप लेते हैं, और उसके बाद काम जो है तो माशाल्लाह अंजाम होता है। तो ये नाश ना आए आंगन टेढ़ा वाला मामला है, या NCP कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स और जिम्मेदारान को कुछ सूझ नहीं रहा है, तो जब खुद को नाश नहीं आ रहा है, नाशना नहीं आ रहा है, तो कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है। तो माशाल्लाह हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम। सर आपने कहा आंगन टेढ़ा, आंगन सीधा होगा कब? आंगन सीधा करने की जिम्मेदारी सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान के पास है, कॉर्पोरेटर्स के पास है, वो आंगन टेढ़ा हो या सीधा हो मजलिस अपने जनता के अवाम के काम करके सब कुछ ठीक करना जानती है। डिवीजन की सर मैंने आपकी दो न्यूज़ कवर किया, काफ़ी लोगों से मुलाकातें होती हैं, अभी तो इलेक्शन का माहौल आने वाला है, लोगों का कहना है कि नासिर सिद्दीक साहब आमदार की तैयारी में भी जुड़ गए, आप इसका सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये तो आने वाला वक्त और हमारी पार्टी डिसाइड करेंगी, हमारा काम तो सिर्फ ये है कि जिस भरोसे पे और जिस उम्मीद से लोगों ने हमको चुनकर दिया था, जब तक नई बॉडी नए चेहरे नहीं आते, नए लोग नहीं आते, तो इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है जिनके ऊपर आवाम ने भरोसा किया था। दूसरी बात, आज मैं आरिफ हुसैनी साहब और फिरोज़ खान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि एक बहुत बड़ा काम, मतलब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये सोच देखिए आपके हर इशू के ऊपर, जहाँ जहाँ आवाम को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उस काम को अंजाम देते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अभी कुछ अपोजिशन वाले जो है तो ये कहते हैं कि हमने ये करवाया वो करवाया, तो मैं समझता हूँ कि जब वो बाहर रहते हुए इतने अच्छे काम कर सकते हैं तो उनको सियासत से बाहर ही रहने देना चाहिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्राउंड पे रह के उस काम को ग्राउंड पे उतारती है तो लोग जो है तो मजलिस को हमेशा ग्राउंड के ऊपर ही रखेंगे, चुन कर देंगे, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए उस पर अमल करें साहब तो फिर तो आपके पूरे चुनके आ जाएगी, नगर सेवक भी, आमदार भी, खासदार भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपोजिशन वालों का खुद स्टेटमेंट है, आपने अभी सुनाया। हाँ जी जी, कि भाई ये लोग जो है तो ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मतलब वो लोग बाहर रह के वो काम कर रहे हैं तो उनको बाहर ही रहने दिया जाए, और हम लोग अंदर रह के जब रिबीना काट रहे तो हमको रिबीन काटने दिया जाए। आप अंदाज़ा ये लगाइए कि मजलिस जो है ग्राउंड पे काम करने वाली जमात का नाम है, और हमारे खासदार की हर वक्त हर जगह उनकी नज़र रहती है, तो मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह ताला औरंगाबाद की आवाम ने देख लिया कि आज सियासी क़ुव्वत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या है। आज कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं पर भी जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक दबदबा है, सियासी हमारी ताकत है, और इसको इंशाल्लाह औरंगाबाद की आवाम जिंदा रखेगी। आपके अंदर के जवाब नहीं दिए सर, आपने आपके अंदर के जवाब टिकट जनता ने मुझसे कहा, लोगों ने कहा था कि भाई अंदर की तैयारी शुरू करें, उसका जवाब दीजिए ना। देखिए मैं जब से अंदर का इलेक्शन लड़ा था उसके बाद में हारा था, लेकिन मैं आवाम के हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे 70,000 वोट दिए, मैं वो चीज़ भूल ही नहीं सकता, वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है, तो इसीलिए मैं जो है तो आवाम की खिदमत में लगा रहता हूँ। अब आने वाले वक्तों में पार्टी क्या डिसाइड करेगी, किसको टिकट देगी, जो भी फैसला पार्टी गंज का असिस्टेंट इंजीनियर हो महावितरण की ओर से DPDC के अंदर चंपा चौक से लेके भाजी मंडी तक ये ओवरहेड लाइन जो डेंजरस लाइन थी जिसके नीचे से कंटिन्यू जो है तो गाड़ियों का आना जाना रहता है, इस ताल्लुक से मेरे यहाँ के स्थानिक जो माजी नगर सेवक है आरिफ हुसैनी साहब, फिरोज़ भाई, नासिर सिद्दीकी साहब, इन्होंने गुजारिश की कि इस लाइन को ओवरहेड लाइन को अंडरग्राउंड की जाए, तो उसके तहत हमने इस लाइन का सर्वे किया, उसके बाद इसका एस्टीमेट प्रिपेयर किया, एस्टीमेट भेजा और वो एस्टीमेट हमने मंजूर कराया। अब ये जो काम है टोटल एक अप्रॉक्सीमेट 87 लाख का काम है, तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी को यही विनंती करूँगा, सभी जो हमारे 20 ग्राहक है, कंज्यूमर्स है, इस काम में कोई भी अड़थड़ा ना लाए, इस काम में हम महावितरण की सभी मदद करें। इस वजह से ये होगा कि ये जो डेंजरस लाइन है जिस पर एक्सीडेंट होते हैं बार बार, वो ना होंगे। तो आपके माध्यम से फिर से ये गुजारिश करूँगा कि लोग जो भी 20 ग्राहक है, कंज्यूमर्स है, हमारे को सपोर्ट करें। थैंक यू। अरे
ऐसा आ जाओ चाल हटो बाजू अरे अरे आओ अरे 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 भाई क्या बात है।